हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें हाई एम्पियर की प्रॉब्लम है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और जो हाई एम्पियर है वो किस वजह से आ रहा है इसका पता लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास ये कंप्रेसर है, इसकी सर्किट कंप्लीट है, यानी यहाँ रिले ओवरलोड लगा हुआ है और हमने चेक किया इसका ओवरलोड रिले सही है और कैपेसिटर भी ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सप्लाई के लिए इस प्लग में लगा लेंगे और एम्पियर चेक करने के लिए इसे टू जो एम्पियर मोड है वहां सेट कर लेंगे और यहां किसी एक वायर में इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहां एम्पियर देखिए ये 2.9 एम्पियर ले रहा है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी ये ओवरलोड से ट्रिप हो जाएगा लेकिन हम इसे ऑफ कर दे रहे हैं। अब हम यहां से प्लग निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये ओवरलोड और रिले हम लोगों ने निकाल लिया है। ये रिले भी सही है, ओवरलोड भी सही है। इसको टेस्ट करने के लिए हम रिले आपके सामने एक बार चेक कर ले रहे हैं। अपने क्लैंप मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लिया है और इस रिले को टेस्ट करने के लिए इनके इन दोनों टर्मिनल के बीच में रन और स्टार्ट का जो टर्मिनल है यहाँ ये देखिए रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है और ये बीप साउंड भी आ रही है, इसका मतलब ये रिले परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ हमारा ये ओवरलोड है, इसको भी हम चेक कर लेंगे इस जगह से और यहाँ पर भी बीप मोड आ रही है, इसका मतलब ये भी काम कर रहा है। यहाँ हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। यहाँ हमारे पास तीनों टर्मिनल है जिसमें ये नीचे के दोनों रन और स्टार्ट हैं, इस पर ये 46 पॉइंट समथिंग रेजिस्टेंस दिखा रहा है और कॉमन रन और कॉमन स्टार्ट के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसका दोनों का जोड़ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ये तकरीबन 29 है जबकि ये कॉमन और स्टार्ट वाला ये तकरीबन 18 है, यानी 30 20 50 के आसपास ये दोनों है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस इसमें शो कर रहा है वो रेजिस्टेंस सही है। अब अगर ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें जो रीजन है वो ये है, या तो ये कंप्रेसर हमारा स्विच कर गया है या यहां पर किसी भी वजह से कहीं कोई प्रेशर इसमें हाई प्रेशर साइड में यानी इसकी डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर स्टैंड है जिसकी वजह से जो बैक आ रहा प्रेशर वो इस कंप्रेसर को स्टार्ट में होने दे रहा है। तो हम इसके लिए इसकी पाइप को कट करेंगे और कट करने के पहले हम देखेंगे कि इसमें गैस है या नहीं है। इस वक्त यहां ये गैस भी दिखा रहा तकरीबन 50 पीएसआई के आसपास, तो 50 पीएसआई का जो प्रेशर है इसका मतलब गैस इसके अंदर है, कुछ कम है लेकिन है गैस इसके अंदर। पर हम ये देखेंगे कि क्या इसकी डिस्चार्ज लाइन साइड में ये जो डिस्चार्ज लाइन है यहां से क्या कहीं कोई प्रेशर इसमें स्टैंड कर गया है, यानी जब डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर निकलती है तो क्या यहां कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से डिस्चार्ज लाइन से आने वाला प्रेशर यहां पर रुका हुआ है और आगे नहीं जा रहा है। और जब ये आगे नहीं जा रहा है तो इस कंप्रेशर के ऑफ होने की पोजीशन पर वही प्रेशर इस जगह से इस कंप्रेशर के पिस्टन पर पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह का मामला अगर वाल्व प्लेट में कोई लीकेज होता है तो प्रेशर वापस रिटर्न आता है और वो पिस्टन को रोक देता है अपनी जगह। इस पोजीशन में जब प्रेशर खत्म होगा तभी ये कंप्रेशर स्टार्ट होगा। तो इसके लिए अब हम इस गैस को उड़ाएंगे और इसको इस जगह से काटेंगे और देखेंगे कि क्या कोई यहाँ पे गैस फंसी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी गैस को यहां से खोल देते हैं क्योंकि ये पिन वाल्व लगा हुआ है और इसको यहां से हम ये गैस निकल गई। अब हम यहां से इसको कट करेंगे, अगर यहां कहीं कोई ब्लॉकेज होगा तो प्रेशर यहां से निकलेगा और नहीं होगा तो इसका मतलब अब हम कंप्रेसर को अलग करके यानी सिस्टम से अलग करके इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस पाइप को कट करते हैं। यहां से कोई प्रेशर नहीं निकल रहा है, अब हम इसे यहां से कट करेंगे यानी इसकी डिस्चार्ज लाइन को। यहां पर भी कोई प्रेशर इस तरह का नहीं है तो हम इस कंप्रेसर को अब यहां से बाहर निकालेंगे, इसके लिए सक्शन लाइन को भी यहां से कट कर लेंगे।
यहाँ से सक्शन लाइन ये कट गई है और ये कंप्रेसर, अब हम यहाँ से अगर इसके लॉक को निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन हम लोगों ने कट कर लिया है। एक बार हम कोशिश करते हैं इसी जगह कंप्रेसर को चलाने की। अगर ये सीज है तो सीज कंप्रेसर को थोड़ा जोर से ठोकने पर इसका जो सीज होता है वो छोड़ देता है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं इसे ठोक के कि क्या ये स्टार्ट होता है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे हम कंप्रेसर की बॉडी पर टच कर लेंगे और इस हैमर से इस पर जोर जोर से मारेंगे। अब हम इसमें इसका रिले वगैरह लगा के एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोगों ने यहाँ अपने एम्पियर मीटर को लगा लिया है और इसमें ओवरलोड रिले लगाया है। कैपेसिटर हम लोगों ने हटा लिया है फिलहाल और इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो गया, ये इस वक्त नॉर्मल एम्पियर पर चल रहा है। इस हथौड़ी की मदद से, क्योंकि ये सीज था, हम लोगों ने इसको ठोका तो जब ठोका तो ये नॉर्मल एम्पियर पर चल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा था और फ्रीज स्टार्ट नहीं हो रही थी, यानी कंप्रेसर चल नहीं रहा था, इस वजह से कोई कूलिंग नहीं हो रही थी। और इसमें मसला ये था कि हम लोगों ने पहले ही अंदाजा लगाया कि इसकी वाइंडिंग ओवरहीट होगी, लेकिन हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा तो रेजिस्टेंस परफेक्ट था और फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सीज की प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम निकली। इसमें सीज था और सीज होने की वजह ये थी कि इस फ्रिज के कंप्रेशर में हो सकता है कि पानी या मॉइस्चर की कोई क्वांटिटी इसमें पहुंच गई हो किसी भी वजह से, फ्रीजर के लीकेज की वजह से या किसी भी वजह से। खासतौर से फ्रीजर में जब लीकेज होता है तो ये पानी अपने अंदर ले लेता है, और इस तरह के केस में जब पानी अंदर हो कुछ भी तो कंप्रेशर के ऑयल को चेंज कर देना चाहिए और उसमें फ्रेश ऑयल डालना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कंडेंसर भी चेंज कर दे, क्योंकि कंडेंसर वगैरह में जो मॉइस्चर होता है वो उसको खराब कर देता है। और ये पुराना कंडेंसर है और ये पुराना कंडेंसर ये हमें खराब लग रहा है, हम इसे चेंज करेंगे। और चूंकि कंप्रेसर रन कर रहा है और बेहतरीन एम्पियर पर रन कर रहा, तो अब हम इसमें इसका ऑयल भी चेंज करेंगे और फिर से इसमें हम इस सिस्टम में कनेक्ट करके गैस चार्जिंग करेंगे। इंशाल्लाह ये फ्रिज काम करने लगेगी। तो उम्मीद है किसी भी कंप्रेसर को टेस्ट करने का, स्पेशली जब सीज हो तो उसे किस तरह से हम सीज को खोलते हैं, यानी कंप्रेसर के अंदर का सिस्टम जब जाम हो जाता है तो उसे किस तरीके से खोलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जब भी कभी कोई कंप्रेसर जाम हो आप उसके रेजिस्टेंस को चेक करें, रेजिस्टेंस परफेक्ट मिले तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि कंप्रेसर सीज है। तो सीज कंप्रेसर को किस तरह से हम बाहर से ही खोल सकते हैं इस तरह से ठोक के, ये आपको समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।